डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 3.3 ऑफ क्लास 8 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा कि जब आपने इसका पहला वाला वीडियो देखा होगा। नाउ व्हाट वी स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियो, वी स्टडीड द रिलेशन बिटवीन द डिजिट्स एट द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर एंड इट्स क्यूब रूट। नंबर एंड इट्स क्यूब रूट, वॉट वी स्टडीड, वी स्टडीड दैट इफ इन द नंबर द डिजिट्स आर 1, 4, 5, 6 एंड 9 और 0, इफ दीज आर द डिजिट्स इन द नंबर, देन द डिजिट्स इन द क्यूब रूट्स ऑफ दीज नंबर्स और इन द क्यूब्स ऑफ दीज नंबर्स विल बी सेम। मीन्स एट द इन द क्यूब रूट्स ऑल्सो, क्यूब रूट में भी यही नंबर डिजिट प्लेस यूनिट प्लेस पे होंगे, 1, 4, 5, 6, 9 एंड 0। एग्जाम्पल, इफ द नंबर इज लाइक 1331, नाउ दिस इज द नंबर, देन इन इट्स क्यूब रूट ऑल्सो, इसके क्यूब रूट में भी यूनिट प्लेस पे डिजिट 1 ही होगा, 1। If the number at the unit place is 1, then in the cube root also the number at the unit place will be 1. If the number is 4, example 64, the cube root, in the cube root also the digit at the unit place will be 4. So 5 hai to 5 rahega, 6 hai to 6 rahega, 9 hai to 9, 0 hai to 0, and ye digits same hai, to kaun se digits different hai? देर इज़ अ पेयर ऑफ 2 and 8। अगर नंबर में यूनिट प्लेस पे डिजिट 2 है तो उसके क्यूब रूट में यूनिट प्लेस पे डिजिट होगा 8 और 8 में 2। इफ़ द नंबर एट द यूनिट प्लेस इज 8, देन इन द क्यूब रूट द नंबर एट द यूनिट प्लेस विल बी 2। सो देर इज़ द पेयर ऑफ 8 and 2, एंड सिमिलरली देर इज़ द पेयर ऑफ 7 and 3। ये आपको याद रखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट नंबर इज 8000। फर्स्ट नंबर इज 8000। नाउ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 0, देयरफॉर इन द क्यूब रूट ऑल्सो द डिजिट एट द यूनिट प्लेस विल बी 0। तो कौन से नंबर्स हो सकते हैं विद द डिजिट 0? सो नंबर्स कैन बी 10, 20 और 30। नाउ वी नो दैट द क्यूब ऑफ 10 इज 1000, क्यूब ऑफ 20 इज 8000, क्यूब ऑफ 30, सो 10 है तो देयर विल बी 3 जीरोज इन द क्यूब। इफ देयर इज 10 इन द नंबर, देन देयर विल बी 3 जीरोज इन द क्यूब, एंड द क्यूब ऑफ 3 इज 27। हेयर द क्यूब इज 8000 एंड हेयर द क्यूब इज 1000। Number of zeros get multiplied by 3 in the cube. If there is 10, there will be 3 zeros. If there are 2 zeros in the number, then the number of zeros in its cube will be 3 times of 2. 3 times of 2 is 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. There will be 6 zeros in the cube. And 2 cube is 8. Like this. So 8000 is the cube of 20. Now I explain you two ways. The first method, which is long one, you can find the prime factors. You can find the prime factors of 8000. Like this, 2 goes into 8000 4000 times. Again 2 goes into 4000 2000 times. 2 goes into 2000 1000 times. And you will carry on this factorization method, but the shortcut method is like this. Now the factors of 8000 are 8 multiplied by 1000. This we know, 8 into 1000. Now the factors of 8 are 8 is the cube of 2. So the factors of 8 are 2 into 2 into 2, and factors of 1000 are 10 into 10 into 10. So we can write that
द क्यूब रूट, हेयर यू विल राइट क्यूब रूट, यहाँ पे नहीं लिखना है बिकॉज हेयर वी आर फाइंडिंग द क्यूब रूट एट दिस स्टेप. सो द क्यूब रूट ऑफ 8000 इक्वल्स टू 1 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम्स 10. वी हैव टू मेक द ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स ईच. तो 3 नंबर्स ईच का हमने ग्रुप बनाया है. नाउ 1 नंबर फ्रॉम दिस ग्रुप, 1 नंबर फ्रॉम दिस ग्रुप, सो द प्रोडक्ट इज 20. सो द क्यूब रूट ऑफ 8000 इज 20. दिस इज द आंसर. दिस इज द शॉर्टकट मेथड. नाउ सेकेंड नंबर सब क्वेश्चन इज 729. नाउ वी नो दैट 729 इज द क्यूब ऑफ 9. सो वी कैन डायरेक्टली राइट एज 729 इक्वल्स टू 9 × 9 × 9 एंड देयरफॉर द क्यूब रूट ऑफ 729 इक्वल्स टू 1 × 9. दिस इज द आंसर. नाउ द फोर्थ नंबर. फोर्थ नंबर सब क्वेश्चन इज नेगेटिव 512. नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 512, देन वी फाइंड द क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव 512. नाउ वी नो दैट द क्यूब रूट ऑफ 512 इज 8. सो वी विल फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 512. सो 512 इक्वल्स टू 8 × 8 × 8 एंड देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 512 इज 8. एंड आपको मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि द क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव एंड द क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव. सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ पॉजिटिव 512 विल बी पॉजिटिव 8 एंड द क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव 512 इज नेगेटिव 8. ओके. नाउ फिफ्थ नंबर सब क्वेश्चन इज नेगेटिव 2744. फर्स्ट वी विल फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2744. नाउ वॉट इज द नंबर एट द यूनिट प्लेस और डिजिट एट द यूनिट प्लेस. द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 4. देयरफॉर इन द क्यूब रूट ऑल्सो द डिजिट एट द यूनिट प्लेस विल बी 4. नाउ विच नंबर्स आर देयर, वॉट आर द नंबर्स इन विच द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 4. द नंबर्स मे बी 14, 24 और 34 लाइक दैट. अब हमें ये देखना है कि इसका क्यूब रूट 14 होगा, 24 होगा या 34 होगा. तो हमें वी हैव टू रिमेंबर द रेंज ऑफ, व्हाट इज़ द रेंज, कि 10 क्यूब इज 1000. नाउ दिस नंबर इज 2744 इज ग्रेटर देन 1000. Therefore, its cube root will also be greater than 10 because this number is greater than 1000. अगर वो 1000 से smaller होता था तो उसका cube root 10 से smaller होता था. And 20 cube is 8000. Now this number is 2744 is smaller than 8000. Therefore, its cube root will be smaller than 20. अगर वो 8000 से ग्रेटर होता था तो वो नंबर भी उसका क्यूब रूट 20 से ग्रेटर होता था, लेकिन वो उससे स्मॉलर है तो 20 से स्मॉलर नंबर फिर कौन सा होगा, 14 होगा. अगर 20 से ग्रेटर होता था तो फिर 24 हो सकता था. बट दिस नंबर इज स्मॉलर देन 8000, देयरफॉर इट्स क्यूब रूट विल बी स्मॉलर देन 20 एंड दैट नंबर इज 14. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 14? फैक्टर्स ऑफ 14 आर 2 × 7. So we'll write 2 cube and 7 cube. 2 cube is 8 and 7 cube is 343. So first, now these are the factors of 8 × 343. These are the factors of 2744. You can verify yourself. Verify karke dekh lo. 2744 के फैक्टर्स फाइंड करके देख लो. 2 goes into this number. So 1 time, 3 times, 7 and 2. Again 2 is the factor. So 2 goes into 13, 6 times, difference is 1. 2 goes into 17, 8 times, difference is 1, 6 times.
again 2 goes into this number 3, 4, 3. Now 2 is not the factor, 7 is the factor, 7 goes into this, 7 4s are 28, 7 9s are 63, 7 goes into 49, 7 times, 7 goes into 7, 1 time. So you have seen that the factors of 2744 are 3 times 2, 3 times 7. We know that 3 times 2, 3 times 7. So अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको शॉर्टकट मेथड पहले ही आपको बता दिया है. सो वी विल राइट, फर्स्ट वी विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 2744. दिस इज़ इक्वल टू 8 इंटू 343, सो दिस इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 इंटू 7 इंटू 7. लेट्स मेक देयर ग्रुप्स नाउ 2744. Now we will write cube root of 2744 equals to 2 into 7. We already know the answer that the cube root is 14. So this is equals to 14. This is cube root of 2744. And therefore, the cube root of negative 2744 will be negative 14. Okay? So this is the शॉर्टकट मेथड. तो आपको ये सोचना है कि यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो नंबर 14 है या 24 है, ये क्या है. नाउ वन थिंग आई मस्ट टेल यू, एक और बात बता दूं आपको कि 13,824 और दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन 8,000, दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन 8,000, देयरफॉर इट्स क्यूब रूट विल बी ग्रेटर देन 20. एंड यूनिट स्पेस पे 4 है, इसलिए उसका क्यूब रूट क्या होगा, 24 होगा. नाउ सिक्स नंबर सब क्वेश्चन इज 32,768. नाउ वी हैव टू सी द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, इट इज 8. सो इन इट्स क्यूब रूट द डिजिट एट द यूनिट प्लेस विल बी 2, बिकॉज देयर इज द पेयर ऑफ 8 एंड 2. सो व्हाट नंबर्स आर पॉसिबल, व्हाट पॉसिबल क्यूब रूट्स आर देयर, possible cube roots are 2, which is obvious, it is not the cube root of this number because 2 is the cube root of 8. And possible cube roots are 12, 22, 32 or 42. इनमें से कौन सा होगा perfect? तो अब हमें देखना है कि if the number is less than 8000, if the number is less than 8000, then its cube root is less than 20. क्यूब रूट इज लेस देन 20. तो दिस नंबर इज नॉट लेस देन 8000, देयरफॉर 20 से स्मॉलर उसका क्यूब रूट नहीं होगा. तो इसलिए 12 इज ऑल्सो नॉट द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 8000. नाउ 20 क्यूब इज 8000, 30 क्यूब इज 1, 2, 3, एंड 3 क्यूब इज 27,000. Now, this number is also not smaller than 20,000. अगर वो 20,000 से smaller होता था तो फिर उसका cube root 30 से smaller होता था तो फिर वो 22 होता था. 20,000 से smaller होता था तो फिर उसका cube root 30 से smaller होता था, 30 से smaller फिर 22 होता था. लेकिन this number is not smaller than 27,000, therefore 22 is also not possible. This number is greater than 27,000, so its cube root will be greater than 22 and that will be 32. So 40 cube is 4 cube is 64 and 3 zeros, 64,000. Now because the number is less than 64,000, therefore its cube root will be less than 40, and less than 40 means 32. Okay, so हमें आंसर मिल गया है कि द नंबर इज 32. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 32? फैक्टर्स ऑफ 32 यू कैन राइट एज 4 इंटू 8 और यू कैन ऑल्सो से 2 इंटू 16. सो यू कैन टेक एनी ऑफ दीज फैक्टर्स. सो वी विल राइट, सो वी नो द क्यूब रूट ऑफ 32,768 इज 32. So its factors of 32 are 4 into 8.
So we can write 4 cube 64 and 8 cube 512. Or we can write 32 equals to 2 into 16, 2 cube is 8 and 16 cube is 4096. So we will take this pair. So we will write 32,768 equals to 64 into 512. 64 into 512. You can check that the product of these two numbers is this much. So this is equal to 64 is 4 into 4 into 4. Cube root of 512, 8 into 8 into 8. So the cube root of 32,768 equals to 4 into 8. And the answer is 32. Okay. Now question number 2 is simplify. So here we will apply the formula, the law of indices, which is A upon B and whole raised to m equals to A raised to m upon B raised to n. Similarly, if the number is like cube root of A, the cube root of A upon B equals to, we can write cube root of A upon cube root of B, because we can apply this in law here, because cube root of A upon B means A raised to 1 upon 3 upon B raised to 1 upon 3. So this we have applied the formula, and this belongs from this. A upon B whole raised to 1 upon 3 equals to A raised to 1 upon 3 upon B raised to 1 upon 3. Similarly, cube root of A upon B equals to cube root of A upon cube root of B. This in law we are applying in question number 2. So first number sub question is cube root of 27 upon 125. Now we will write solution. Cube root of 27 upon 125 equals to, we'll give this power separately to both numerator and denominator. Therefore, we'll write cube root of 27 upon cube root of 125, and the cube root of 27 is, we know cube root of 27 is 3, and the cube root of 125 is 5. So this is the answer. This is the simplification of this question. Question number 2. This is cube root of 16 upon 54. Now, what is the difference between this question and this question? So, agar aap dekho yahan pe 27 aur 125, both were the perfect cubes. ये दोनों क्या थे? परफेक्ट क्यूब्स थे. 27 इज द क्यूब ऑफ 3 एंड 125 इज द क्यूब ऑफ 5. बट आर दीज नंबर 16 एंड 54 परफेक्ट क्यूब्स? नो, दीज आर नॉट द परफेक्ट क्यूब्स. सो वी विल सिंप्लीफाई देम एंड विल ट्रांसफर देम इन परफेक्ट क्यूब्स. सो फर्स्ट वी विल राइट क्यूब रूट ऑफ 16 अपॉन 54. नाउ 2 इज द कॉमन फैक्टर of both these numbers, so we will divide both numbers by 2. So we will get, on dividing both numbers by 2, 16 upon 54, 2 goes into 16 8 times and 2 goes into 54 27 times. Now the numbers will be perfect cubes. So this is equals to 8 upon 27. We have divided both numbers by 2, so now we will write cube root of 8 upon cube root of 27, and cube root of 8 is 2 upon cube root of 27 is 3. This is the answer. Simplification of this question. Now sub-question 3 is, sub-question 3. If cube root of 729
if cube root of 729 is 9, then find the cube root of 0.000729. This we have to find. Now, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि if suppose the number is 0.2, if the number is 2, then its cube is 8. This we know. And the number is, if the number is 0.2, then its cube will be, now there is one digit after the decimal point. So in the number, the digits after the decimal point or the decimal point will come before three digits. So 2 cube is 8, so there will be two more digits, 0, 0, then there will be decimal point. The digits after the decimal point, there will be three digits because here is one digit. So 0.2 cube is 0.008. Once again, if the number is 0.02, now there are two digits after the decimal point. So here, how many digits will be there after the decimal point? Three times these digits. Now these are the two digits, though. So there will be six digits, thrice of two. That is six, three times. So there will be six digit in the cube. So the decimal point will be there after six digits. So 2 cube is 8 and there will be 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. The decimal point will be after 6 digits. Similarly, there are 6 digits here after the decimal point. So in the cube root, there will be how many digits? 2 digits. There will be 2 digits after the decimal point. So, and we know that cube root of 729 is 9. So the first digit will be 9 and second digit will be 0.09. But now we will solve this example in detail. So we will write that cube root of 0.000729 equals to, first we will write in the numerator denominator form. So cube root of, now 729, this is equals to 729 upon, the decimal point is after 6 digits, so the divisor will be 10 lakhs. There will be 6 zeros. So the number in the denominator will be 10 lakhs. So this can be written as equals to 729 upon 10 lakhs. So this is equals to cube root of 729 upon cube root of 10 lakhs. Cube root of 729 is 9 upon cube root of 10 lakhs. Now there are 6 zeros, so in the cube root there will be 2 zeros. So this number will be 100, and 9 upon 100, when 9 is divided by 100, there is no decimal point, so decimal point is here. 9 means 9.0. So when we divide it by 100, the decimal point will move two places on the left side, 1 and 2. Here will be decimal point and here the digit will be 0. So 9 upon 100 is 0.09. If you divide 9 by 10, this will be 0.9. तो जब भी आप 10, 100 या 1000 से डिवाइड करते हो, द डेसिमल पॉइंट मूव्स टू द लेफ्ट साइड. अगर 10 से डिवाइड करते हो तो डेसिमल पॉइंट वन प्लेस लेफ्ट साइड में मूव होगी, 0.9. व्हेन यू डिवाइड बाय 100, द डेसिमल पॉइंट विल मूव टू प्लेसेस लेफ्ट साइड, सो दिस बिकम्स 0.09. इफ़ यू डिवाइड 9 by 1000, डेसिमल पॉइंट मूव्स थ्री प्लेसेस टू द लेफ्ट साइड, 1, 2, 3. सो दिस नंबर बिकम्स 0.009. And 9 upon 100 is 0.09. This is the answer.
So the value of cube root of 0.00729 is 0.09. This is the answer.